हाय, लेक्चर नंबर 13 में आप सबको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, हमने कवर कर लिया होम इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट्स, और आज के इस लेक्चर में हमने आगे देखना है। हमने एक सर्टिफिकेट भी डिजाइन कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम लेक्चर समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं आए तो आप पहले पिछले लेक्चर पर जाएं ताकि आपको ये लेक्चर समझ आ सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैंने एमएस वर्ड स्टार्ट कर लिया और यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। यहाँ मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, लाइक मैंने एक हेडिंग दी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले काम करते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखें, पेज नंबर 1 पे हैं, हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। ठीक हो गया, पेज नंबर 2 पे आ गए हमने सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटर करके यहाँ मैं उसके बारे में कोई रैंडम पैराग्राफ दे देती हूँ। ठीक है, दो पैराग्राफ मैंने लिख लिए। फिर मैं आती हूँ हार्डवेयर, ठीक है, और नीचे आके मैं कोई रैंडम 3 से 4 पैराग्राफ दे देती हूँ, इक्वल RAND रैंड, और 3 पैराग्राफ एंटर कर देती हूँ। एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आती हूँ, यहाँ लिखती हूँ कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पे आके और नीचे एंटर करके इक्वल रैंडम पैराग्राफ में कुछ भी लिख देती हूँ, कोई 4 पैराग्राफ लिख देती हूँ। यहाँ पे एंटर करूंगी यार। अब ये मैंने बना लिया, मैं यहाँ डिजाइन करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डिजाइन टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है कि जो कुछ मैंने नीचे लिखा हुआ है वो यहाँ शो। आप अपनी बुक, आपके पास है, आप बुक खोले, आपके बुक पे पहले पेज पे लिखा होता है कि कंप्यूटर का टॉपिक इस पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का टॉपिक इस पेज पे लिखा हुआ है। ये जो इंडेक्स का पेज बना हुआ है वैसे मैं बनाना चाह रही हूँ। तो मैं एक काम करूंगी, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं खुद से देखूं पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करूंगी, यहां आके सबको सेलेक्ट करती हूँ हेडिंग 1 में, ठीक है। यहां पे भी आके मैं इसको भी करती हूँ हेडिंग 1 में, ये देखें, इसको भी कर दूंगी हेडिंग 1 में, ठीक है। अब मैं नीचे आती हूँ और इसको भी कर देती हूँ हेडिंग 1 में। ठीक हो गया, ये हेडिंग 1 में हमारा बन गया। अब मैं यहां ऊपर आती हूं और इस पे आके जस्ट क्लिक करूंगी, रेफरेंस में जाऊंगी और यहां लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2, 2, ये देखें 3 पे मैंने नेक्स्ट मूव किया था। अगर आपने पार्टिकुलर जगह जाना है तो देखें, जैसे ही कर्सर लेकर आई हूं, पहले कुछ नहीं है, जैसे ही कर्सर लेकर आऊंगी क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल दबा के जैसे दबाएंगे तो ये हाथ बन जाएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आप उसी पेज पे पहुंच गए, ठीक है। अब जैसे मैं यहां कुछ चेंज करती हूं, मैं यहां लिखती हूं कंप्यूटर की जगह लिखती हूं केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहां भी चेंज होना चाहिए, ऐसे है या नहीं है, चेंज नीचे की है। तो मैं एक काम करूंगी, यहां पे आके ये देखें, इस पे क्लिक करके अपडेट टेबल, इंटायर टेबल, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहां लिखा हुआ क्या आ गया, केमिस्ट्री आ गया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। अच्छा, हेडिंग के अंदर एक और चीज होती है सब हेडिंग। हेडिंग के अंदर क्या होती है, सब हेडिंग। अगर आपने सब हेडिंग क्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, हेडिंग 1 में हेडिंग 2 सब हेडिंग है, हेडिंग 2 में हेडिंग 3 सब हेडिंग है। ये देखें, ये हेडिंग 1 में था ना, मैं इसको करती हूँ हेडिंग 2 में, तो ये देखें, ये 1 के अंदर ये सब हेडिंग बन जाएगा। ये आप यहां लेकर आए, जिसकी भी जिसको भी बनाना है, यहां पे आए, इंटायर टेबल, इस पे अपडेट करें, ये देखें, ये सब हेडिंग, यानी अंदर का क्या है, यानी इसके अंदर ये टॉपिक है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। अगला है हमारा मेलिंग। आपने एक शादी का कार्ड भेजना है अपने दोस्तों को, उनका नाम लिखना है, उनकी ईमेल आईडी लिखनी है और उनका फोन नंबर लिखना है। नीचे का मवाद तो सब दोस्तों का सेम ही रहेगा, ऐसे, ठीक है। अब हर दोस्त को उसके नाम से लिखेंगे, हर दोस्त को उसके अलग अलग नाम से लिखने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहां आएंगे मेलिंग में, ठीक है। यहां पे आके स्टार्ट लेटर पे क्लिक करना है, यहां पे आके आपने टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिन दोस्तों को भेजना है। उस लिस्ट में आपने 3 चीजें लिखनी है, जिसको भेजना है उसका नाम यानी 2, उसकी ईमेल आईडी, और तीसरा क्या होगा, हां जी, फोन नंबर। तो टाइप अ न्यू लिस्ट, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है। मिनट, लेट मी क्लोज ऑल द टैब्स, आई एम ओपनिंग।
यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ लिस्ट बना देते हैं। एक मिनट इसे मैं क्लोज कर दूं ताकि हम क्लियरली हर चीज को बना सके। ठीक है, कहाँ थे? मेलिंग में। यहाँ पे आके टाइप लिस्ट, चले टू लिखना है। टू में जैसे मैं कहती हूँ नायला को दे उसकी ईमेल आईडी, naila@gmail.com, उसका फोन नंबर, कोई रैंडम नंबर लिखे। फिर आपने न्यू दोस्त का एंट्री, न्यू एंट्री पे क्लिक करें, jia@gmail.com, उसका नंबर आप दे दें। उसके बाद आपने न्यू एंट्री देनी, आप यहाँ पे आए खान, कोई उसकी ईमेल आईडी दे, उसके बाद आप कोई रैंडम नंबर दे दे उसका। अब मैंने तीन बंदों को भेजा है, ओके कर लेती हूँ। और उसके बाद इस लिस्ट का नाम लिखना है आपने, इस लिस्ट का नाम लिखना है। इस लिस्ट का नाम लिखती हूँ जैसे ABC, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट फील्ड, टाइटल पहले में लिखा था ना, और दूसरे में क्या है आपका फर्स्ट नेम, तीसरे में आपने क्या लिखा था लास्ट नेम में लिखा था ना फोन नंबर। फिर आप आके यहाँ प्रीव्यू कर लें, ये देखें नायला, दूसरा जिया थी, ये देखें तीसरे खान था। पीछे जाना है, ये देखें इंडिविजुअली आप कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट व्यू भी लेके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग कैसे करनी है ये देखें, यहाँ पे आपने प्रिंटर का नाम शो होगा, जो प्रिंटर आपका अटैच होगा आपने देख लेना है, जो प्रिंटर अटैच उसका नाम क्या है, यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, आपने उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ रेडी स्टेट में होगा, ये ऑफलाइन है क्योंकि मेरा प्रिंटर यहाँ अटैच नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि इसमें कितने पेजेस हैं, एक है, दो है, ठीक है, जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो रहेंगे। इसमें एक पेज है तो एक पेज शो हो रहा है। अगर मैं प्रिंट ऑल पेज फर्ज करें, इसमें 10 पेजेस हैं तो वो 10 के 10 प्रिंट होंगे। अगर मैं कहती हूँ प्रिंट करंट पेज, सिर्फ ये पेज प्रिंट होगा और नहीं होगा। अच्छा, इस पेज के कितने प्रिंट होने चाहिए? 2, 3, 4, मैं कहती हूँ 6 होने चाहिए। उसके बाद आपने प्रिंट कमांड पे क्लिक करना है, वो प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो हमारा एमएस वर्ड की बेसिक चीजें यहां तक कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा एक्सेल का, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग वो भी ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपका एमएस वर्ड में आपकी प्रैक्टिस ये है कि आपने इसकी टाइपिंग करनी है और जितने फीचर मैंने बताए हैं उनकी शॉर्टकट कीज ढूंढनी है और वो शॉर्टकट कीज लिख लेनी है, आपके पेपर में बहुत काम आएंगी। आज के लेक्चर के एंड में ही मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर PDF की एक फाइल भेजूंगी जिसमें शॉर्टकट कीज लिखी हुई होंगी एमएस वर्ड की, वो आपने अच्छी खासी याद कर लेनी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और पहले मैंने एक्सेल करवा लेना है, एक्सेल के बाद ही मैं आपकी बुक से, रेलेवेंट बुक से बताऊंगी कि आपका कौन सा टॉपिक था जो हमने फलां लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हमने पढ़ना है एक्सेल। घर रहे, सेफ रहे, अल्लाह हाफिज।